स्टाइल कढ़ाई पनीर, और आज मैं स्पेशल 40 मिनट्स में मेहमान की थाली बना रही हूँ, जिसमें है वेजिटेबल पुलाव और अरहर की दाल। उसके साथ मैं आज बना रही हूँ ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। देखिए अब मेरी प्रिपरेशन कैसी होती है, आप बताइए आगे। पहले मैंने 1 कप दाल डाला उसमें, और उसके बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। ये हम दाल फ्राई बना रहे हैं, अरहर की दाल। इसमें हल्दी डाला मैंने थोड़ा, स्टार्टिंग में हींग डाल दो तो थोड़ी दाल का स्वाद टेस्ट बैठ जाता है, और उसके अंदर हल्का सा मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया ताकि ये दाल पकने में आसान होता है, जल्दी पक जाता है। कर लीड लगा दिया मैंने। पहले मैंने गैस को फास्ट रखा है, और 2 सीटी आने के बाद उस गैस को मैं स्लो कर दूँगी। तो प्रिय, तब तक हम यहाँ पे कढ़ाई पनीर की तैयारी कर लेते हैं। ये पनीर है, पनीर को मैरिनेट करके रखते हैं। इसमें मैंने डाला है ये देगी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और उसी के अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। बस इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। थोड़ा सा ये फ्राई करने के टाइम कलर इसका अच्छा आता है। जैसे ये लाल मिर्च पाउडर नहीं है, इसको कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक्चुअली ये बन रहा है। जब तक मेरा यहाँ पे दाल सीटी ले रहा है, उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे वेजिटेबल पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ शिमला मिर्च और इसमें काजू, और नीचे मैंने कुछ पनीर रखा हुआ, और ये है फोकस, ये है सोयाबीन को मैंने थोड़े समय के लिए भिगा के रखे थे और गर्म पानी में, और उसके बाद से ऐसे हो गया ये। अब इसको इसी में फ्राई कर लूँगी, और इसमें कुछ तेज पत्ता डालूँगी मैं अभी। ये शाहजीरा है, ये देखिए, ये होता है शाहजीरा, ये देखिए, ये है शाहजीरा। ये जीरा से थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, ब्लैक होता है ये। ये इसमें डालेंगे शाहजीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का एक, और लवंग और काले मिर्च कुछ। बस ये फर्स्ट सीटी आ चुकी है, सेकंड सीटी आई, और ये मैंने गैस को स्लो किया है। अब स्लो गैस पे ये 4 सीटी और लूँगी मैं। 5 सीटी पूरी लग चुकी है दाल की, और मैं इसे उतार के अभी इस पर मैं वेजिटेबल पुलाव बनाने जा रही हूँ। पनीर बनाने की तैयारी कर लूँ, कढ़ाई पनीर, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है, और अब इसमें थोड़े से प्याज पहले मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, और फिर शिमला मिर्च निकाल लूँगी फ्राई करके। पहले ये हल्के लाल, थोड़े से गुलाबी कर लूँगी। इसी में मैं ये शिमला मिर्च को भी थोड़े से कटा लूँगी। वेजिटेबल पुलाव के लिए मैंने शाहजीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और कुछ लवंग के दाने इसमें डाले हैं। ये थोड़े से रोस्ट हो जाए, फिर इसमें घी डालते हैं 2 चम्मच, और मैंने ऑलरेडी बासमती राइस यहाँ पे धो के रखे हुए हैं।
घी डालने से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा इसमें घी डाल के बनाती हूँ। थोड़ा गर्म हो जाए तब मैं वेजिटेबल्स डाल दूँगी। यहाँ पे कढ़ाई पनीर की बनाई हो रही है, अच्छे से बची हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के इसे पनीर फ्राई कर दूँगी। पनीर फ्राई करने से थोड़ा सा उसका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है, इसलिए इसे फ्राई करके भी डालिए आप, और थोड़ा सा घी डाल के फ्राई करके ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। वेजिटेबल पुलाव का पूरा अच्छे से तड़का पक गया है, बस इसमें अब मैं पहले सोयाबीन डालूँगी ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। और ये मैंने कुछ काजू, गाजर और इसके अंदर पनीर है और शिमला मिर्च कुछ काट के रखे थे मैंने। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, आप एक बार बना के देखिए, इस तरीके से आपको बहुत जल्दी बनेगा, बहुत गेस्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा बनेगा। बस इसमें कोई मसाले नहीं डालने हैं, इसको हल्का सा सिर्फ फ्राई हो जाए। अब जिसमें मैंने एक कप चावल ये मैंने भिगो के रखे हैं, मतलब धो के रखे थे, भिगोए नहीं थे, धो के रखे हैं। इसमें एक कप चावल में 1.5 कप पानी डालता है बस, और कुछ एक सीटी में आपका पुलाव रेडी। मैंने पनीर बना अभी, उसी में मैं थोड़ा सा दालचीनी, तेज पत्ता सब डाल के भून लूँगी, और उसी में अदरक लहसुन और थोड़ा सा प्याज मैं काट के उसमें भून दूँगी, उसी में टमाटर। ये जब सब भून जाए अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाल के इसमें उसको हल्का सा रोस्ट करना पड़ रहा है। चावल मैंने ऐड कर दिया है और उसको भी हल्के हाथ से थोड़ा सा स्टर करके 1.5 गिलास पानी डाल दें। जिस ग्लास से आपने चावल लिया है उसी ग्लास से आप इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के सिर्फ वन सीटी बस और बन कर दें। पानी डाला और 1 चम्मच नमक डाल के गया ना, तब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जले ना, और थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, ये ऐसे ही होता है। बस ये थोड़ा सा पक जाए तब इसको ठंडा करके मैं मिक्सी ग्राइंड में पीस दूँगी। सॉरी, मैं इसमें ना काजू बादाम डालना भूल गई। आप इसमें जब रोस्ट करने डालेंगे ना सब कुछ, तभी काजू बादाम भी डाल दीजिएगा, और तेज पत्ता पकने के बाद तेज पत्ता निकाल दीजिएगा, बाकी सारा सब ग्राइंड करना है हमें। देखिए यहाँ मेरा वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, बस हो गया है। अब मैं इसको लीड लगाने जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी और ज़्यादा नहीं, और आपको मैं खोल के दिखाऊँगी कुकर, फिर आप बताइएगा कैसे बना है। ये देखिए मेरा दाल रेडी हो गया, एकदम पक गया है एकदम। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, दाल फ्राई बनाऊँगी, एकदम रेडी हो गया। और अब ये देखिए ये मेरा मसाला रेडी हो गया, बस अब इसको ठंडा करके मिक्सी ग्राइंड करके मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये बहुत जल्दी बनता है, सिर्फ आपको यही और रोटी बनानी हो तो मैक्सिमम 10 मिनट्स में बन जाएगा रेडी करने के बाद। जा रही हूँ, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, सौंफ। आप खड़ी धनिया डाल के देखिए कभी दाल में, बहुत स्वाद, अलग ही टेस्ट आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने पहले थोड़ी सी घी डाली थी और उसमें जीरा, धनिया और सौंफ डाला। अब मैं इसमें कटी प्याज और लहसुन डाल रही हूँ। अगर हम सारे प्रिपरेशन पहले कर लेना और उसके बाद हम किचन में खड़े हों तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगती और खाना जल्दी बन जाता है। मैं बता दूँगी कर दिया कि हमारा खाना रेडी होता है। मेरा दाल बन गया है, कढ़ाई पनीर का सारा प्रिपरेशन मतलब पक गया है, मतलब इसको बनाने हो जाते हैं दाल फ्राई करने के बाद। वहाँ पुलाव हो गया मैक्सिमम 15 मिनट में, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब रेडी हो जाता है अगर हम प्रिपेयर करके रखें पहले से तो। और वहाँ मैंने सलाद काट के रखे, बस अभी उसको मुझे दही में फेंकना है ताकि वो रायता बन जाएगा। फिर ये बचने वाली रुक देगा और मैं गैस
बंद कर दूंगी तुरंत। उसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी नमक डाल चुकी हूँ मैं बनने के समय दाल में। और इसमें टमाटर मिक्स कर दूंगी, उसको भी थोड़ा सा गलने के लिए रख दूंगी मैं भी, जब ये अच्छे से गल जाए तब मैं इसमें गर्म मसाला धनिया पाउडर, मतलब नॉर्मली जो हम डालते हैं। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया 2 चम्मच, 2.5 चम्मच। ये मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली और ये दाल फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी बना रहा है आपको, तो इसमें आप चिकन सिंग मसाला डालिए 1 चम्मच। उसके बाद आप देखिए मज़ा आ जाएगा, जरूर पूछेगा आपने क्या डाला इस दाल का, जरूर खाइए जरूर बनाइए और भी कमेंट करें कि मैं और कौन कौन से रेसिपी बनाऊँ। इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने दाल डाल के गर्म कर दिया है और इसमें सीक्रेट लास्ट में मैं डालूँगी इसके अंदर, देखिएगा बहुत ही देखने में टेस्टी लगेगा, खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बन चुकी है लेकिन लास्ट तड़का, इसके अंदर आप जीरा और लाल मिर्च का तड़का ऊपर से दीजिए, अमेजिंग लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखने में तो वाह। गैस बंद करके आप इसमें हल्का सा देगी लाल मिर्च डालिए और उसको जलने ना दीजिए, तुरंत आप उसको दाल में डाल दीजिए। वाह, ये जो टेस्ट आ रहा है आप खाएंगे तो खाते तो काश बताते मुझे क्या स्वाद है। कोई नहीं, रिव्यू आपको ज़रूर मिलेगा इस चैनल पे। मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। देखिए स्टार्ट हो गया है और मेरा पुलाव, वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए स्टीम दिख रहा है आपको, ये देखिए तो खिला खिला बना, बहुत अमेजिंग। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के भी प्लेटिंग करूँगी ना, तब आप देखिएगा बहुत अच्छा बनता है। मेरे मेजरमेंट मैंने आपको जो बताइए उसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसमें डालूंगी मैं हल्का थोड़ा सा जीरा, एकदम थोड़ा सा हींग जरूर डालती हूँ हर चीज़ में, फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धनिया डालूंगी, खड़ा धनिया, और उसके अंदर मैं हल्की सी हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, और अगेन कश्मीरी लाल मिर्च, इसे कलर अच्छा आता है। बस हो गया, अब मैं जो मसाला इसके पहले बना के रखी थी ना उसको मैं भून पीस लिया मैंने, इसलिए मैंने गैस लो ही रखा था, ये बहुत बबल बन के हो जाता है। बस विद इन 5 मिनट्स रेडी फ्राई करिए, दाल फ्राई हो गया है, पुलाव हो गया है, कढ़ाई पनीर हो गया है, सलाद अभी बस काट दूँगी मैं, और रोटी के लिए मैंने आटा बना के रखा है, बस रोटी तुरंत यहाँ बनी और वहाँ उन्होंने खाया, फटाफट था मैंने खुश एकदम। आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं डाल रही क्योंकि मेरे घर में ना कोई पसंद नहीं करता है इसलिए। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा मलाई हो आपके पास उसको फेंट लीजिए, पानी डाल के थोड़ा सा और उसको मिलाइए, बहुत अमेजिंग टेस्ट, अलग टेस्ट आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देखिए
अपना ऑर्डर। हमें तीखी के लिए कुछ नहीं, इसलिए लाल मिर्च बहुत डाला अभी मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, और ये मैंने डाला है हल्का सा अमचूर पाउडर, बस और कुछ नहीं। ये हल्का सा भून गया है तब मैं इसमें ये जो मैंने बना के रखा है फ्राई करके इसको डाल दूँगी, बस इसको और नमक भी डाल दिया है मैंने ऑलरेडी, आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो जल्दी से मैंने पहले डाल दिया था, थोड़ी सी चीनी डालती ज़रूर, बस सब कुछ मतलब बैलेंस हो जाता है, सारा टेस्ट है ना बैलेंस हो जाता है इसलिए। तो मसाला पूरी तरह से भून गया, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये लीजिए, बस इसको हल्का सा पकने के लिए रख दूँगी 2 मिनट, उसके बाद मैं गैस बंद करके रोटी बनाने जा रही हूँ। ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर, वेज पुलाव, और ये है दाल तड़का, और इधर मैंने सलाद बनाया है, और ये है इसमें रोटी बनाया। अब मैं आपको इसमें थाली सजा के दिखाती हूँ। वेज पुलाव देखिए कितना अच्छा बना है, ये देखिए एकदम खिला खिला, एक एक दाना मैं आपको बता नहीं सकती अब आपको इसमें कैसे वीडियो में कैसे दिख रहा है, मगर रियल में एक एक दाना खिला हुआ दिख रहा है। और कैसा है ये मैंने बनाया कढ़ाई पनीर, और इसके बाजू में दाल नहीं, दाल मखनी नहीं, दाल फ्राई बनाया मैंने, और वेजिटेबल पुलाव है, सलाद है। कैसा है, टेस्टी है? बहुत टेस्टी है। अथर्व आप बताओ कैसा है बेटा, कैसा है? बहुत शानदार, मस्त, टेस्टी है, टेस्टी नहीं मस्त है। अच्छा उत्कर्ष आप भी बताओ बेटा, आओ देखो कैसा बना है आज मम्मा ने, कैसा बनाया आज फर्स्ट टाइम मम्मा ने थाली बनाया ना गर्मी का, देखो बताओ मम्मी को, खाओ जल्दी खाओ, कैसा है? मुझे एकदम डिलीशियस है।